मंडी सदर में जब भी विकास करवाना चाहा तो सुखराम एंड फैमिली ने उसमें रोड़े अटकाए। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि 1962 से लेकर 2020 तक लगातार कुछ सालों को छोड़कर सदर विधानसभा क्षेत्र में सुखराम परिवार का वर्चस्व रहा। इन 60 सालों में सदर के लोगों को कभी वीरभद्र सिंह तो कभी भाजपा के नाम पर गुमराह किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। जब भी मंडी में विकास करने की बात आई तो इस परिवार ने कभी नहीं चाहा कि छोटी काशी का विकास हो। भाजपा हिम्बिका सरकार के समय ठाकुर महेंद्र सिंह ने जब सुकेती और सुकोयदी पुल के शिलान्यास रखे तो उस समय पंडित सुखराम ने इसका विरोध किया था। जब बस स्टैंड का कार्य शुरू किया तो अनिल शर्मा ने उस कार्य को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि जो 60 साल में सदर का विकास नहीं करवा पाए वे अब 2.5 साल मांग रहे हैं। अनिल शर्मा तो नसीहत देने वाले हैं। वे कभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को और अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देने लगे हैं। अच्छा होता इस नसीहत का वे स्वयं अमल करते। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तो सदर के विधायक क्षेत्र से गायब हैं। दिल्ली मुंबई में सैर सपाटा करके मौज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा ने शहीद स्मारक के निर्माण का विरोध किया और लंबे अरसे तक इस कार्य को लटकाए रखा। एक निर्वाचित प्रतिनिधि ये कहे कि वे आला मंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह का खौफ सुखराम परिवार पर साफ साफ झलकता नजर आ रहा है। मंडी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नई बड़ी योजनाएं ला रहे हैं और क्षेत्र का विकास करवा रहे हैं, मगर वे विकास अनिल शर्मा को हजम नहीं हो रहा है। सदर की जनता ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सुखराम परिवार को उसकी औकात बता दी कि वे क्या है। रोहतांग अटल टनल के उद्घाटन में पीएम द्वारा सांसद का नाम न लेने पर रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक पीड़ा से ग्रस्त हैं तथा उन्हें हर जगह कहीं न कहीं खोट नजर आता है। जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने उनका स्वागत किया और तमाम जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है कि वे किसका नाम लेते हैं किसका नहीं। उन्होंने विधायक पूर्व मंत्री अनिल शर्मा को नसीहत दी कि वे सदर का विकास करें, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता उन्हें उनकी औकात बता देगी। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह सेन, नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर, सदर मंडल अध्यक्ष मनीष कपूर, आईटी सेल के राजकुमार और मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा सहित कई अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। पंचायत के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव, तिथियां नजदीक आने लगी। सुखराम परिवार, अनिल शर्मा, इनको अपना चुनाव क्षेत्र भी याद आने लगा, जनता के दिखते भी नजर आने लगे, मंडी सदर का विकास भी नजर आने लगा। 62 वर्षों से राजनीति में है पंडित सुखराम जी से लेकर अनिल शर्मा जी, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मंडी में बस स्टैंड नहीं बन पाया, मंडी में यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, मंडी में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, पठानकोट मंडी 4 लेन नहीं बन पाया, कीर्तन मनाली 4 लेन नहीं बन पाया, केवल मात्र राइस रोटियां सेकर अपना जीवन यापन। पार्लियामेंट चुनावों के बाद अनिल शर्मा जी या तो बॉम्बे रहे या दिल्ली रहे या अपने घर में रहे, कोरोना महामारी फैली हुई थी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री कार्यकर्ता कहीं मास्क बांट रहे थे कि फूड के पैकेट बांट रहे थे कि अनाज की किटें बांट रहे थे, कहीं अपने जेब से कोविड फंड के लिए पैसा दे रहे थे, तो परिवार कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही पंचायतों के, नगर परिषदों के, नगर निगम के चुनाव आए, इनको मंडी की नगर निगम याद आने लगे, इनको मंडी नगर के विकास आने लगे। आज मंडी जिला में आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी खुल चुकी, मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्य आगे बढ़ा हुआ है, पठानु मंडी 4 लेन का कार्य की शुरुआत हुई है, कीर्तन मनाली का काम जो लंबित पड़ा था नागचला तक आज उतनी गति से आगे बढ़ा है।
माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन तीन वर्षों में मंडी पार्लियामेंट के लिए, मंडी जिला के लिए मैं कौन कौन से काम करूँ, सिर्फ धाम का काम आगे बढ़ा है, लगातार प्रदर्शन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सुखराम परिवार को, अनिल शर्मा को केवल मात्र अपनी राजनीति याद आने लगी। डेढ़ वर्ष तक अपने मंडी सदर के उन जनता का, उन कार्यकर्ताओं का जो 62 वर्ष उनका झोला उठा के घूमते रहे, उनका हाल नहीं पूछा। लेकिन चुनाव आते ही नए नए पैंतरे बताने लगे, मेरी लाइट कट गई, मैं महेंद्र सिंह जी के कार्यक्रम में जाऊँगा, मेरे को कोई पूछता नहीं, मेरे को तंग किया जा रहा है। ये मगरमच्छ रूपी आंसू बहाए जा रहे हैं केवल मंडी सदर की जनता को बरकरार के, मंडी शहर के लोगों की याद आ रही है। हम डेढ़ उसका हाथ है,